अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रियाल रेट फिर ऊपर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफे के बाद रियाल का ट्रांसफर रेट भी बढ़ गया है। तो आज 22 अगस्त 2024 और जुमारात का दिन है। रेट में इजाफे के बाद आज सऊदी रियाल का फ्रेश रेट क्या होगा, यानी सऊदी अरब के मुख्तलिफ बैंक मुख्तलिफ ममालिक के लिए आज एक रियाल का क्या रेट देगा, ये तफसील हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखिए और मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा तरीन मालूमात शेयर करते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप आइए वीडियो का तो आज हम शुरुआत अल राजी बैंक से करेंगे। तो अल राजी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.80 रुपये का, इंडिया के लिए 22.10 रुपये, बांग्लादेश के लिए 30%, 86 पैसे और नेपाल के लिए रेट देता है 35.52 रुपये का। अगर बात हो जाए एनसीबी क्विक पे का, तो एनसीबी क्विक पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.29 रुपये का, इंडिया के लिए 21.90 रुपये, बांग्लादेश के लिए 30.72 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.30 रुपये का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं इंजाज बैंक के बारे में। तो इंजाज बैंक पाकिस्तान के लिए आज एक रियाल का रेट देता है 73.40 रुपये का, इंडिया के लिए 22.02 रुपये, बांग्लादेश के लिए 30.92 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.46 रुपये। अगर हम बात करें वेस्टर्न यूनियन के बारे में, तो वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.74 रुपये का, इंडिया के लिए 22.01 रुपये, बांग्लादेश के लिए 31.60 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.09 रुपये। इसके अलावा बारी आती है एसटीसी पे का, तो एसटीसी पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.38 रुपये का, इंडिया के लिए 21.90 रुपये, बांग्लादेश के लिए 30.48 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.46 रुपये। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यूर पे ऐप के बारे में कि वो क्या रेट दे रहा है। तो यूर पे पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.74 रुपये का, इंडिया के लिए 22.04 रुपये, बांग्लादेश के लिए 31.40 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35 रुपये। अगर बात हो जाए एएनबी टेलीमनी का, तो एएनबी टेलीमनी पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 72.98 रुपये का, इंडिया के लिए 22.03 रुपये, बांग्लादेश के लिए 31.31 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35 रुपये। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं फौरी बैंक के बारे में। तो फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.64 रुपये का, इंडिया के लिए 22.14 रुपये, बांग्लादेश के लिए 31.15 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35.38 रुपये। अगर हम बात करें मनीग्राम के बारे में, तो मनीग्राम पाकिस्तान के लिए एक रियाल का रेट देता है 73.74 रुपये का, इंडिया के लिए 22.04 रुपये, बांग्लादेश के लिए 31.40 रुपये और नेपाल के लिए रेट देता है 35 रुपये।